आजम खान की रद्द रहेगी विधायक की, रामपुर सेशन कोर्ट ने स्टे से किया इनकार, बदजुबानी पर गई विधायक की, उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी चुनाव, समाजवादी पार्टी ने किया डिंपल के नाम का ऐलान, 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव का मंथन, उपचुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा, सपा दफ्तर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन, कलेक्ट्रेट परिसर की हुई घेराबंदी, नामांकन स्थल तक सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक को जाने की इजाजत। डेंगू रोकथाम को लेकर आज से विशेष अभियान, सभी वार्डो में चलाया जाएगा अभियान, बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फैसला। गाजियाबाद में 8वीं के छात्र ने की खुदकुशी, फीस के लिए क्लासरूम में डांट फटकार का आरोप, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकर किया हंगामा, बागपत में शातिर बदमाश निसार सिंगावली के खिलाफ एक्शन, बदमाश का मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, एक बदमाश हुआ जख्मी, 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद के बाद ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते का फिर दिखा आतंक, पालतू कुत्ते ने सिक्योरिटी गार्ड को काटा, कुत्ते के काटने का घटना सीसीटीवी में कैद। अयोध्या से भरत यात्रा आज चित्रकूट के लिए रवाना, महंत नित्य गोपाल दास के आश्रम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यात्रा को रवाना किया गया। डेंगू रोकथाम को लेकर आज से विशेष अभियान, सभी वार्डो में चलाया जाएगा अभियान, बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फैसला। गाजियाबाद में 8वीं के छात्र ने की खुदकुशी, फीस के लिए क्लासरूम में डांट फटकार का आरोप, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा। बागपत में शातिर बदमाश निसार सिंगावली के खिलाफ एक्शन, बदमाश का मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, एक बदमाश हुआ जख्मी, 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद के बाद ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते का फिर दिखा आतंक, पालतू कुत्ते ने सिक्योरिटी गार्ड को काटा, कुत्ते के काटने का घटना सीसीटीवी में कैद। अयोध्या से भरत यात्रा आज चित्रकूट के लिए रवाना, महंत नित्य गोपाल दास के आश्रम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यात्रा को रवाना किया गया। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।